Respected headmaster and staff member, today I am going to share my experience of Padhe Bharat Mission. Padhe Bharat Mission was a great step of Government of India. It has helped us in making a comeback into the school in more effective and energetic way. The tough phase of COVID-19 was there since 2019 and still we are struggling with it. Amid all this, Padhe Bharat has played a great role in making a great role combat inculcated the reading and writing habit जमा हुए हैं। आज इस अभियान का आखिरी दिन है। इस अभियान से मुराद है कि हम बच्चे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। पढ़ाई में पढ़ने और लिखने का काम सबसे अहम जुज है। आईने हिंद में हमें यह हक हासिल है कि हर बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ज़्यादा हो जाए 100 दिनों के अंदर बहुत सारी बातें सीखे। चंबा कितनी क दूर मायनी मेरी ये शिमले दिरा है। चंबा कितनी क दूर है। चंबा कितनी क दूर शिमले चंबे जाना जरूर मायनी मेरी ये शिमले दिरा है। चंबा कितनी क दूर है। चंबा कितनी क दूर लाइया मोहब्बता दूर दराजे ओ हो अखियां तो होया कसूर है। अखियां तो होया कसूर मायनी मेरी ये शिमले दिरा है। चंबा कितनी खोल परों को खोल रे मुर्गे कहां भागे जा रहे हो। रामदीन ने मेरी सोने की 50 मुद्राएं ले ली है। मैं उन्हें ही लेने जा रहा हूँ। कब ली थी। कल रात सपने में। भले सपने की बात भी सच हो सकती है। सच हो या झूठ मुद्राएं तो ली थी। मुद्राएं मैं लेकर ही रहूँगा। अरे धनसुख भाई सुबह सुबह इतना क्यों बिगड़ रहे हो। बात बात पर क्या करते हो। पहले मेरी सोने की 50 मुद्राएं लौटाओ। हाँ हाँ क्या मजाक करते हो। मैंने कब ली तुम्हारी मुद्राएं। मेरी मुद्राएं लौटाते हो कि नहीं। नहीं तो मैं राजा अकबर के दरबार में शिकायत कर दूंगा। जब मैंने मुद्राएं ली ही नहीं तो मैं डरूं क्यों। जाओ कर दो शिकायत। चलो 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 आज की सभा शुरू की जाए। हजूर दो बंदे अपनी शिकायत लेकर आए हैं। उन्हें पेश किया जाए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। तो क्या समस्या है आपकी। महाराज रामदीन ने मेरी सोने की 50 मुद्राएं ले ली। अब लौटाता ही। रामदीन क्या ये बात सच है। नहीं महाराज ये झूठ बोल रहा है। भला इस समस्या का भी कोई समाधान हो सकता है। महामंत्री बिरबल जी अब आप ही इस समस्या का समाधान निकालें। पहले एक आईना लेकर आओ। आईना पेश किया जाए। तनसुख क्या सपने में आपको ऐसी मुद्राएं दिखाई दी थी। जी हजूर। तो इन्हें उठा लें। ये कैसे संभव है।
जब ये संभव नहीं है तो सपने की बात कैसे संभव हो सकती है? राम जी मुझे क्षमा कर दो। धनसुख भाई इसे एक सपना समझकर भूल जाओ। आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी बला है। धन्यवाद। एक चिड़िया खा रही थी दाना, एक चिड़िया खा रही थी दाना, एक और मिलकर हो गई दो, एक और मिलकर हो गई दो, एक दो, एक दो, वन टू, वन टू, एक दो, एक दो, वन टू, वन टू, चिड़िया चिड़िया हतरा असतिजा कराम। प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज सब बच्चे आप यहाँ पर जमा हुए हैं एक खास मकसद से, जो कि यहाँ पर दिया गया है पढ़े भारत प्रोग्राम। आज से 100 दिन पहले शुरू किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ एक एक हफ्ते के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के बारे में इंस्ट्रक्शन थी और वही हमने कंटिन्यू किया और आज उसके पूरे 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। और इन 100 दिनों में आपने क्या सीखा, पढ़े भारत के जरिए से आपने क्या सीखा? हर क्लासेस के लिए प्रोग्राम था, नर्सरी से लेकर 8 तक के बच्चों का, और इसमें आपने क्या सीखा वो सब आज 100 दिन का जो ये आज इख्तिताम पजीर हो रहा है पढ़े भारत का प्रोग्राम, उसमें हम अपनी प्रोग्रेस दिखाएंगे। My name is Haji Shreep. My school name is Government Middle School Agan. I reading in class 4th. एक कौवा प्यासा था, इधर उधर भटक रहा था, दूर से एक घड़ा दिखा, पास उसके जा पहुंचा। कौवा बहुत प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। ये बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, वेरी गुड। ये क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं। ये बच्ची I am Sukar. the right place and the right time. Okay. What is the life mean for you? To realize one's limits and maintain one's dignity to contain all bitter experience, taking them as pearls and rubies. This is my idea of life. This healthy bottle of mind produce pearls and great clouds full of rain. You can call it a life of penance or renunciation. Tell me, what is life earth? Why are you getting into this matter? Life is love. Taking and giving is true life. Who are you, my dear? I am the life of this creation. पढ़े भारत का शुभारंभ किया 100 दिवसीय पाठन अभियान का शुभारंभ।
कलर किया, फिर मैंने इसको ग्लू से चिपकाया, फिर मैंने इसको आपने बनाया किस चीज से? जो ये बनाया हुआ है किस चीज का बना? कार्डबोर्ड का गत्ता होता है ना, जैसे कोई चीज पैकिंग होके आती है उसके बाहर से छोटा सा कवर लगाया होता है गत्ते का, इसने उसको यूज करके ये डस्टबिन बनाया है। मैंने इसका हैंडल बनाया, फिर मैंने इसके हैंडल को पेस्ट किया और इसके नीचे भी एक कार्डबोर्ड का सर्कल पेस्ट किया और फिर ये रेडी हो गया। हैंड शेक करो, यस यस करके, हाँ टिक पिक टिक पिक टॉक। व्हाट डू यू वांट? आई वांट ए कलर। व्हिच कलर? व्हिच कलर? रेड रेड रेड। तो सभी इसको रेड को हाथ लगाएंगे, ठीक है? रेड, चलो सभी हाथ रेड को हाथ लगाओ। हाँ, ये कौन सा कलर है? चलो सभी पकड़ो, रेड को सभी पकड़ो, फिर रेस्पेक्टेड नायब सरपंच साहब, हेडमास्टर साहब को, जितने भी लोग हमारे यहाँ आ जाए, ये जो हमारा 100 दिन का प्रोग्राम जो हमने चलाया था इसके आखिरी दिन पे आए, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना कोऑपरेट किया और हमारे ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये बहुत ही क्यूट हैं और बहुत ही एक्टिव हैं, तो इसके लिए आप सब लोगों का शुक्रिया और आप हमारे साथ आइंदा ऐसा ही कोऑपरेशन बनाए रखें। स्कूल में जो भी प्रोग्राम चलते हैं तो आप हमारे स्कूलों में जरूर तशरीफ लाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Student of GPS Tandrepura from class 8 on behalf of all the students of GPS Tandrepura are highly thankful to esteemed CEO Sahib, DNO Sir Mohindra Goswami, ZNOs and KRPS of District Ramban to organize Pade Bharat 100 days reading campaign. In this campaign we learn and enjoy a lot and lots of learning activities. Really, this campaign is fruitful to all students and teachers, faculty in future. Thanks once again. पहले बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए क्लैपिंग करो जिन बच्चों ने पढ़े भारत में बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई हैं। एक बार सबके लिए क्लैपिंग। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता था कि आपके सर्दियों में आपके ग्रुप्स में टीचर्स मैसेज डालते थे कि आ ये वाली एक्टिविटी करो, आई जिसका नाम था पढ़े भारत, और ये 100 दिनों का प्रोग्राम था। कितने दिनों का? 100। और वो उस प्रोग्राम का जो लास्ट दिन है वो आज है। तो आपने देखा होगा कि इन दिनों जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था सर्दियों में, तब बर्फ भी पड़ी थी, आपके स्कूल बंद थे, आपको हम टेलीफोन पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते थे। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में ये प्रोग्राम शुरू हुआ एक साथ। और इसकी खास बातें क्या थी कि एक तो ये पूरे इंडिया में एक साथ चला और हमारी जम्मू एंड कश्मीर की हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक साथ चला। जो एक्टिविटी आपको दी जाती थी वही उन बच्चों को भी दी जाती थी। मेन मकसद है कि बच्चों के अंदर एक जॉयफुल रीडिंग हैबिट्स को पैदा किया जाए और इसके साथ साथ जो उनकी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है उस पर काम किया जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो इन बच्चों को ही हुआ है।